कितने बजे शुरू होगा भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मुकाबला। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने घोषित की पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और श्रीलंका के बीच तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है, जहाँ पर दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार टीम इंडिया की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी पहले वनडे मुकाबले में हमें खेलते हुए नजर आएंगे, साथ ही पहला वनडे मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और साथ ही साथ आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस ओडीआई सीरीज में भी शानदार परफॉर्मेंस करके 2023 का ओडीआई का धमाकेदार आगाज करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों ओडीआई सीरीज के लिए टीम इंडिया अपने सभी सीनियर खिलाड़ियों की वापसी के साथ मैदान पर उतरेगी, यानी कि एक मजबूत टीम टीम इंडिया की दिख रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम इंडिया की स्क्वाड की, और इसके बाद बात करेंगे रोहित शर्मा ने जो प्लेइंग 11 का ऐलान किया उसके बारे में। तो दोस्तों भारतीय टीम के स्क्वाड की हम बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से इस सीरीज में कप्तान है रोहित शर्मा, तो वाइस कैप्टन है हार्दिक पांड्या, इसके अलावा तीसरे खिलाड़ी के तौर पर विराट कोहली, चौथे खिलाड़ी के तौर पर शुभमन गिल, तो पांचवे खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव हैं, जबकि छठे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, तो सातवें खिलाड़ी केएल राहुल हैं, वहीं पर आठवें खिलाड़ी ईशान किशन है, तो नौवें खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर हैं, दसवें खिलाड़ी के तौर पर यजवेंद्र चहल टीम में मौजूद है, तो ग्यारहवें खिलाड़ी कुलदीप यादव हैं, तो वहीं पर बारहवें खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल है, तो तेरहवें खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह हैं, जबकि चौदहवें खिलाड़ी पर मोहम्मद शमी है, तो पंद्रहवें खिलाड़ी मोहम्मद सिराज है, जबकि 16वें खिलाड़ी उमरान मलिक है, तो 17वें खिलाड़ी अर्शदीप सिंह है। यानी कि दोस्तों भारतीय टीम की स्क्वाड की बात करें तो 17 सदस्यीय स्क्वाड के साथ टीम इंडिया आ रही है, साथ ही जसप्रीत बुमराह की ओडीआई में वापसी हो चुकी है, तो एक अच्छी खबर है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि काफी लंबे समय से जसप्रीत बुमराह चोट के चलते बाहर थे। इसके अलावा दोस्तों बात करें टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भी चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, तो यह सीरीज उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज में टीम इंडिया की तरफ से स्क्वाड में जगह नहीं दी गई है शिखर धवन को, और उनकी जगह पर शुभमन गिल और ईशान किशन जैसे युवा ओपनर बल्लेबाजों के ऊपर काफ़ी बड़ा दांव खेला है टीम इंडिया के सिलेक्टर ने। ऐसे में यहां पर हम मान सकते हैं कि शिखर धवन के लिए आगे की राह थोड़ी मुश्किल होने वाली है। वहीं पर चले दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखिरकार टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच पहला ओडीआई मुकाबला कितनी बजे खेला जाएगा, और साथ ही इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो चले दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेड्यूल की। तो दोस्तों पहला वनडे मुकाबला 10 जनवरी को खेला जाना है गुवाहाटी में। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर के 1:30 पर शुरू होगा। इसके बाद दूसरा ओडीआई मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा 12 जनवरी को, यह मुकाबला भी 1:30 बजे ही शुरू होगा। इसके बाद तीसरा व आखिरी मुकाबला 15 जनवरी को खेला जाना है तिरुवनंतपुरम में, यह मुकाबला भी भारतीय समयानुसार दोपहर के 1:30 पर ही शुरू होंगे। सभी मुकाबलों को आप स्टार स्पोर्ट और हॉटस्टार पर लाइव देख सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो पारी की शुरुआत टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और उनके साथ ईशान किशन करते हुए दिखेंगे। दोनों बल्लेबाज टीम के लिए काफ़ी शानदार शुरुआत कर सकते हैं, और हाल ही में देखा जाए तो शानदार दौरा शतक जमाया था ईशान किशन ने, तो वहीं पर रोहित शर्मा तो अब तक 3 दौरे शतक लगा चुके हैं। ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों से टीम इंडिया को काफ़ी शानदार शुरुआत की उम्मीद होगी, और इनसे बेहतर ओपनिंग जोड़ी टीम इंडिया के लिए और कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर दोनों में से एक का भी बल्ला चला तो बड़ा स्कोर बनना तय है। वहीं पर इसके बाद नंबर 3 की हम बात करें तो यहां पर हमें विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली की फॉर्म कह नहीं सकते कि कितनी अच्छी है, लेकिन उम्मीद करते कि वो बेहतरीन रन बनाएंगे। इसके बाद नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव उतरेंगे। सूर्य कुमार यादव अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, हालांकि अभी तक वनडे क्रिकेट में उतना बड़ा स्कोर इनके बल्ले से निकला नहीं है, लेकिन इस सीरीज में जरूर निकलेगा। वहीं पर नंबर 5 पर हमें श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर भी एक बेहतरीन प्लेयर हैं, हालांकि दोस्तों इनकी जगह पर केएल राहुल को भी मौका मिल सकता है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर श्रेयस अय्यर ही खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। हार्दिक के परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी शानदार है, तो वहीं पर नंबर 7 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की हालिया फॉर्म की बात करें तो काफ़ी शानदार है, तो इन्हें यहां पर मौका मिलने वाला है। इसके बाद नंबर 8 पर वाशिंगटन सुंदर टीम इंडिया का हिस्सा होने वाले हैं, यह भी एक स्पिन ऑप्शन टीम इंडिया के लिए मौजूद रहेंगे। वहीं पर नंबर 9 पर अर्शदीप सिंह उतरेंगे, तो नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज उतरने वाले हैं, जबकि दोस्तों नंबर 11 की हम बात करें तो यहाँ पर हमें मोहम्मद शमी खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 तो काफी शानदार नजर आ रही है, तो आपके हिसाब से किन खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।